हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 5 स्कॉलरशिप एग्जाम में हम मैथमेटिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11, दैट इज डिवीजन। और ये जो एक्सरसाइज है 11.1, ये है नवनीत के बुक से। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें मैं कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स लूंगा जो थोड़े हार्ड लगते हैं, मतलब सिंपल डिवीजन वाले एग्जाम्पल्स में यहाँ पे नहीं लूंगा। यहाँ पे देखो, ये 11,649 इज डिवाइडेड बाय अ सर्टन नंबर, द रिमाइंडर इज वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट नंबर। यहाँ पे क्या कहा है कि एक नंबर दिए हमें 11,649, इस नंबर को सर्टन नंबर से डिवाइड करना। किस नंबर से डिवाइड करना है हमें पता नहीं है, वो अननोन नंबर है। इससे हम डिवाइड अगर करते हैं तो रिमाइंडर जो आता है वो होता है 1। तो इनमें से कौन से नंबर से डिवाइड किया? 12 से डिवाइड किया, 15 से डिवाइड किया, 16 से डिवाइड किया, 18 से डिवाइड किया, ये हमें यहाँ पे देखना है। अब इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं इसमें हमें एक ट्रिक्स लगानी है। वो कैसे? आप हर एक नंबर से तो इसको डिवाइड नहीं करके देखोगे, तो ट्रिक क्या करनी है इसमें, ये नंबर अगर इनमें से किसी से डिवाइड नहीं होती है कम्प्लीटली, मतलब रिमाइंडर अगर 1 रहता है तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। जैसे आप 9 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर रह गया 1, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। कम्प्लीटली डिवाइड कब होता है? जब रिमाइंडर 0 आता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो रिमाइंडर है इसको हम डिविडेंड में से माइनस करेंगे। 9 माइनस 1 करो तो कितना आ गया 8। तो रिमाइंडर को डिविडेंड में से अगर माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है, यानी वो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। अब आप 2 से 8 को डिवाइड करो, 2 4 8, तो रिमाइंडर 0 आ गया, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है, ये जो रिमाइंडर है 1 उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, 11,649 माइनस 1 करो, तो यू गेट 11,648। अब ये नंबर इसमें से जिससे डिविजिबल होगी वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब 12, 15, 16, 18, ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें ऑप्शंस को गौर से देखो आप। इसमें जो 12 है, 15 है और 18 है, 12, 15 और 18, दीज थ्री नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तीनों नंबर्स 3 से डिविजिबल है। अब आपको 3 की जो टेस्ट है इसमें अगर लग गई इनमें से एक आंसर रहता है कि नहीं रहता वो देखते हैं। तो 3 से ये अगर डिविजिबल है तो इनसे भी डिविजिबल होगी, तो 3 की टेस्ट लगाओ इसमें। अब 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट करके जो आंसर आता है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। अब इनके एडिशन करो, 1 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8, 6 प्लस 4 10, 10 और ये 10 कितने हो गए? 20। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। जब 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 के जो मल्टीपल है, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, तो 3 के मल्टीपल से भी ये नंबर डिविजिबल नहीं रहेगी। मतलब ना तो ये नंबर 12 से डिविजिबल है, ना 15 से डिविजिबल है, ना 18 से डिविजिबल है। ये तीनों ऑप्शन हमारे चले गए। अब बचा कौन सा ऑप्शन? 16। तो क्या ये नंबर 16 से डिविजिबल है? ठीक है, तो इसको ये 16 से डिविजिबल रहेगी, क्योंकि ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो ये 16 से भी नहीं, 4 का कंसेप्ट नहीं लगाना है। तो ये तीन ऑप्शन चले गए, तो ये नंबर 16 से डिविजिबल रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। आप चेक कर सकते हो, 16 से डिवाइड करके देखो, 11, 6, 4, 8, ठीक है, 16 7 112, 4 4, 16 2 32, 2 1 कैरी 8, 16 8 128, ठीक है, 0 0। तो देखो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगी 16 से, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 16 से तो रिमाइंडर रहेगा 1। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन एन एग्जांपल ऑन डिवीजन, द डिवाइजर वाज 27, डिवाइजर 27 दिया है, द क्वेश्चन इज 44 एंड द रिमाइंडर इज 19, व्हाट वाज द डिविडेंड? तो हमें डिविडेंड फाइंड करना है। तो डिविजन का फॉर्मूला है हमारे पास, डिविडेंड इज इक्वल टू इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, क्यू यानी क्वेश्चन, आर मीन्स रिमाइंडर। तो आपको ये फार्मूला भी एग्जाम एग्जाम के समय लिखने की जरूरत नहीं है पूरा। आप क्या करो, सिर्फ डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है 27 27 लिखना, मल्टीप्लाई क्वेश्चन है 44 ऐसे लिखना, प्लस रिमाइंडर कितना है 19। तो आप इनकी मल्टीप्लिकेशन साइड में कर लो, 27 मल्टीप्लाई 44, 4 7 28, कैरी हो गया 2, 4 2 8 और 2 10, ठीक है। अब दूसरे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा,
स्टूडेंट ये 801, तो 8811, तो अब इसमें ऐड करेंगे ये 19, ठीक है, तो 19 इसमें ऐड कर लो इस तरह से, 8 प्लस 9 7 17 7 कैरी हो गया 1, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 10 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 और ये 1, तो 1207 इतना आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अब आप एग्जाम के टाइम इतना मत लिखना, आप क्या करो ना डायरेक्ट, आपको पता है डिवीजन का फॉर्मूला, तो डिवाइड है आपका 27 इंटू 44 कर लेना ऐसे, इसका जो भी आंसर आता है उसमें 19 को ऐड कर देना, गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 के कुछ क्वेश्चन, तो इसमें देखो क्या कहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में, इफ द डिवाइजर इन द डिवीजन 6363 डिवाइडेड बाय 9 इज रिड्यूस बाय 2 देन बाय हाउ मच विल द क्वेश्चन इंक्रीज। तो ये जो डिवीजन है 6363 डिवाइडेड बाय 9, इसका जो डिवाइजर है इसमें डिवाइजर है 9, है ना, तो 9 को अगर हम 2 से रिड्यूस करते हैं यानी 9 में से 2 माइनस करके डिवाइड करते हैं तो फिर जो क्वेश्चन है वो कितने से बढ़ेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब ये कैसे होता है देखो, आसान तरीके से बता रहा, अगर 9 को आप 2 से डिवाइड करो, ठीक है, सॉरी पहले 4 से करेंगे, 9 को अगर आप 4 से डिवाइड करो तो इसमें क्वेश्चन आएगा 2 आएगा, ठीक है, और रिमाइंडर 1 आएगा। अगर आप 4 को 1 से रिड्यूस कर दो तो डिवाइडेड बाय 1 करो 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा फिर 3 3 9, तो रिमाइंडर 0 होगा। यहाँ पे देखो आप पहले बड़े नंबर से डिवाइड किया था तो क्वेश्चन छोटा था, फिर छोटी नंबर से डिवाइड किया तो क्वेश्चन बढ़ गया। यहाँ पे एक ध्यान में रखना है हमें कि कितने से बढ़ेगा ये पूछा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले इन दोनों की डिवीजन करनी पड़ेगी, तो इनकी डिवीजन कितनी आती है 6363 डिवाइडेड बाय 9, 9 7 63 फिर कैरी किया, हाँ 6 डिवाइड नहीं होता है, 9 0 0 किया, 6 कैरी किया 3, 9 7 63, ठीक है, तो आंसर आ गया यहाँ पे 707, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब हमें क्या बोला है कि जो ये है डिवाइजर है उसको 2 से रिड्यूस करो, तो 6363 को अब डिवाइड करेंगे, 9 माइनस 2 करो तो कितना आता है 7, तो 7 से डिवाइड करो, ठीक है, यहाँ साइड में करता 6363 डिवाइडेड बाय 7, 7 9 63, 6 लो 0 0 6 कैरी किया 3, 7 9 63 कितना आया 909, देखो आंसर बढ़ गया है ना, तो कितने से बढ़ा, तो 909 में से 707 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 202, तो 202 से आंसर बढ़ गया, ठीक है, यानी क्वेश्चन बढ़ गया, तो विच ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिए है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है डिवाइजर इज लेस देन द क्वेश्चन, सेकंड है रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। अब इसको एक एक चेक करते हैं हम, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यानी कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये पूछा है। तो क्या डिवाइजर क्वेश्चन से छोटा होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9 को आप 4 2 से डिवाइड करो, ठीक है, तो 2 4 8 होता है, रिमाइंडर आ गया 1, अब ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया डिवाइजर, तो क्या डिवाइजर क्वेश्चन से लेस है, तो ये ट्रू है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर, ये हो गया रिमाइंडर, ये डिवाइजर, क्या रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है, लेस होता है, तो बिल्कुल होता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमारा आंसर नहीं है। थर्ड, डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द क्वेश्चन, क्या डिवाइजर क्वेश्चन से बड़ा होता है, यहाँ डिवाइजर 2 है क्वेश्चन 4 है, तो इससे ये जो 2 है ये स्मॉल है ना, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन 3 है। चौथा स्टेटमेंट देख लो, क्वेश्चन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमाइंडर, ये जो क्वेश्चन है वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है, ये भी ट्रू है, तो हमें पूछा था नॉट ट्रू, तो स्टेटमेंट जो 3 है दैट इज नॉट ट्रू, गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 32 तो क्वेश्चन इज 791 एंड रिमाइंडर इज 15, व्हाट इज द नंबर। एक नंबर को अगर 32 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन दिया है और रिमाइंडर दिए, तो कौन सी नंबर है जिसको हमने डिवाइड किया वो फाइंड करना है, वो नंबर फाइंड करना मतलब डिविजन फाइंड करना है ना, तो डिविजन का फॉर्मूला है हमारे पास, डिविजन इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर कितना है यहाँ पे 32 है, इससे मल्टीप्लाई करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन कितना है 791,
तो 791 को मल्टीप्लाई कर लो 32 से, तो 2 1 2 2 9 18 8 कैरी 1, 2 7 14 प्लस 1 15, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 1 3, 3 3 3 9 27 7 कैरी 2, 3 7 21 और 2 23, एडिशन करेंगे 2 8 प्लस 3 11 1 कैरी 1, 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13 कैरी 1, यहाँ पे हो गया 5 और 2, ये आ गया आंसर। अब इसमें ऐड करेंगे 15, क्योंकि डिवाइजर इनटू क्वेश्चन किया, उसमें ऐड करेंगे रिमाइंडर को, रिमाइंडर है 15, इसमें 15 ऐड कर लो, तो 5 प्लस 2 7 2 3 5 2, तो 25,327 ये रहेगी वो नंबर। इनमें से कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन अ नंबर वाज डिवाइडेड बाय 12 इंस्टेड ऑफ 18, यानी एक नंबर को 18 से डिवाइड करना था, लेकिन उसी नंबर को कितने से डिवाइड कर लिया? 12 से, है ना? 18 से डिवाइड करना था लेकिन 12 से डिवाइड किया। द क्वोशेंट इज इंक्रीज बाय 20, इसकी वजह से इनका जो क्वोशेंट है वो कितने से बढ़ गया? 20 से बढ़ गया। ठीक है, तो पहले जो क्वोशेंट आया होगा उसमें अगर 20 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट क्वोशेंट आता है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आएगा। तो व्हाट इज दैट नंबर, तो वो नंबर कौन सी, ये हमें यहाँ पे पूछा है। तो अब इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमें ऑप्शंस का यूज करना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं, देखो 720 है, पहले इस ऑप्शन को 18 से डिवाइड करके देखो, तो 18 कितना होगा, 18 4 72, ठीक है, ये जीरो यहाँ पे लग गया, तो इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया 14। अब 720 को 12 से डिवाइड करके देखो, 720 डिवाइडेड बाय 12 6 72, ठीक है, ये जीरो लग गया यहाँ पे। अब इन दोनों का जो क्वोशेंट है उनका डिफरेंस देखो कितना है, 20 का है, ठीक है। अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट आता है 60, और 18 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट आता है 40। यहाँ पे देखो जो क्वोशेंट है वो 20 से बढ़ गया है, इसका मतलब वो 720 नंबर है जिसको 18 से डिवाइड करना था लेकिन 12 से डिवाइड किया, उसकी वजह से जो क्वोशेंट का क्वोशेंट है वो 20 से बढ़ गया, बाकी इसमें ऐसा नहीं होगा। एक ट्राई करते हैं, 900 लिया, 900 को आप 18 से डिवाइड करो तो 18 5 90 होता है, जीरो यहाँ पे लग गया, तो क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 50। अब 900 को डिवाइड कर लो 12 से, ठीक है, 12 6 70 12 7 84, यहाँ आ गया 60 12 5 60, ठीक है, ये 75 आ गया। अब ये जो देखो कितने से बढ़ा है, 25 से, और हमें बोला है कि 20 से इंक्रीज हुआ है क्वेश्चन, है ना, तो हमारा जो आंसर है वो है 720। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वेल 19,687 इज डिवाइड बाय अ सर्टेन नंबर, तो 19,687 को हमें एक सर्टेन नंबर यानी अननोन नंबर से डिवाइड करना है, पता नहीं किससे डिवाइड करना है। आगे क्या बोला है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर रहता है 4। अब रिमाइंडर 4 रहता इसका मतलब वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो व्हाट इज दैट नंबर, तो वो नंबर कौन सी, इस तरह का एग्जांपल हमने पहले देखा है। जैसे देखो फिर से बताता हूँ, अगर आपको 9 को बोला है कि 2 से डिवाइड करो तो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ जाता है 1, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर हम इस 9 में से 1 को माइनस कर ले तो कितना आता है, 8, यानी जो डिविडेंड है उसको उसमें से रिमाइंडर को हम माइनस कर लेते हैं, तो ये जो नंबर मिलती है ये 2 से डिविजिबल है ना। तो क्या करना है, यहाँ पर भी जो क्वोशेंट है मतलब डिविडेंड है 19,687, इसमें से रिमाइंडर को माइनस कर लो तो कितना आता है, फिर 19,683 आएगा। अब ये नंबर हो गई कम्प्लीटली डिविजिबल। अब ऑप्शन में से देखो ये नंबर किससे डिविजिबल है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें अगर देखोगे आप तो यहाँ ऑप्शन जो दिए है उसमें 12 18 24 27 सभी नंबर 3 से डिविजिबल है, तो और कौन सा तरीका है, फिर 4 से नहीं है, 9 12 18 24 27 किससे डिविजिबल, इनमें से कौन से 3 नंबर हमें चूज करने पड़ेंगे, ठीक है 6 से लेते हैं, तो 12 18 और 24 तीनों नंबर 6 से डिविजिबल है, 12 18 और 24 बोथ ऑल दीज 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो इसका मतलब ये नंबर भी, ये नंबर अगर 6 से डिविजिबल रही तो इन तीनों से वो डिविजिबल हो जाएगी। अब 6 से डिविजिबल है या नहीं है इसके लिए हम 6 की टेस्ट लगाएंगे। 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो
वो नंबर सिक्स से डिविजिबल हो सकती होती है। अब ये नंबर टू से तो डिविजिबल है नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस पे यहाँ पे थ्री है ना, तो यहाँ टू से डिविजिबल नहीं है तो थ्री की टेस्ट लगती नहीं लगती वो देखने का कोई मतलब नहीं। तो टू से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब ये नंबर सिक्स से भी डिविजिबल नहीं रहेगी। तो ये अगर सिक्स से डिविजिबल नहीं है तो सिक्स की जो मल्टीपल्स है सिक्स की जो मल्टीपल्स है 12, 18 और 24 इनसे भी ये नंबर डिविजिबल नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन इसके इनकरेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा 27। ठीक है, तो 27 से ये नंबर डिविजिबल है और 27 से इस नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर रह जाता है 4। चाहे तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ये आपको बाद में करने की जरूरत नहीं, हम ऐसे यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे 27 से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड करते समय भी 27 को कितने से मल्टीप्लाई करना है इसके लिए ट्रिक्स का यूज करना पड़ता। और कैसे, टेंथ प्लेस में देखो 2 है, यहाँ पे 1 प्लेस में 1 है, छोटा है तो डबल डिजिट ले लो 19। 2 9 18, तो सबसे पहले 18 आता तो 19 से छोटा है तो 9 से करके देखना। ये तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, फिर 2 से करते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। ये ट्रिक आप हमेशा याद में रखना कि यहाँ पे टेंथ प्लेस का डिजिट 2 है, यूनिट प्लेस का 1 है, यहाँ पे 1 है तो इसको छोटा है तो दो डिजिट लेना 19। तो 2 9 18, तो 19 के आसपास है तो 9 से मल्टीप्लाई करना। 9 7 63 यानी 6, 9 2 18 और 24, तो ये नंबर बड़ी हो गई 196 है। तो 9 से छोटी यानी 8 लेंगे, 27 मल्टीप्लाई 8, 8 7 56, 8 2 16, 21 ये भी बड़ी हो गई। तो फिर लेंगे 7, 27 मल्टीप्लाई 7, 7 7 49, 7 2 14 और 18। ठीक है, 180 नहीं आया तो हमें तीन ही बार करना पड़ा मल्टीप्लिकेशन, तो 7 का करेंगे 189, तो 16 - 9 यहाँ पे हो गया 7। ठीक है, 0 0, अब कैरी किया यहाँ पे 8, 27 3 जा तो नहीं होगा, 2 जा करेंगे, 2 7 14, 2 7 4 और 1 5, यहाँ पे रहेंगे 4, यहाँ पे 2, अब नीचे लिए यहाँ पे 7, तो 243 आता है ना, 27 9 जा 243, तो रह गया 4, देखो रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 4। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ट्रिक्स का यूज करना है, आपको ये चेक करके पेपर में चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये ट्रिक्स को ध्यान में रखना कि इस तरह के एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करना है। गॉट इट।